हे गाइस व्हाट्स अप, माय नेम इज गैरेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब करो, बाजू वाला बेल आइकन दबाओ, उसके जब जब मैं नया वीडियो डालता हूं आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। प्लीज तुम्हारी गाड़ी की जाएगी। हर रेडियो स्टेशन पर हर टीवी चैनल पर हमारा राक्षस मत बजाना। काढलं सगळं तीन काढलं, मोठ्या मोठ्या होत्या काढल्या, तुला काय माहिती त्या मोठ्या की छोट्या त्या रक्त दिसतंय ते पूर्ण, जे रक्त आहे ते प्यायलेलं एकूण ते तिकडे हे माहिती इकडे दाखवलं मला नाही बघायचं काय हे बघ इथे दाखवतो रे। मी सक्सेसफुली रिमूव्ह सम बिग टिक्स फ्रॉम माय नॉट माय डॉग बट हिज फैमिली है, सो मुझे इसके टिक्स निकालने थे, वो बहुत परेशान था, इसकी वजह से मैंने निकाले। इट्स मैसिव और तुम लोग को दिखाता हूँ मैं कितने बड़े बड़े टिक्स है। वो उड़त नहीं ना केस नसता, सो दे आर ह्यूमंगस। सो ये ओरिजिनल साइज इनकी छोटी इतनी वाली होती है और ये इतने बड़े हो सकते हैं खून पी पी के, सो इट्स डेंजरस। सो काट भी सकते हैं, सो जाते फेंकने इनको बुलाना चाहिए वो। लेट्स गो गाइस, एक ग्लव्स पण टाक, ते नेल कटर राहू दे, नंतर लागेल परत। लेट्स गो, लेट्स गो गाइस। मैंने सक्सेसफुली टिक्स निकाल दिया, थैंक यू बोल मेरे को, चल इसके ही निकाले, डोंट डू इट, चल चल आगे, डन। The truth is a damn hard pill to swallow. I'm reaching out, but all I feel is hollow. I wanna make you work, but all I do is make you worse. And we are done. मुझे क्लीन करना है, नो पर बाद में कर लेंगे। So first warning first, अगर आपको कुत्ते को ऐसे क्लीन करना है टिक्स से, so be aware, it's dangerous। तुम लोग खुद को भी अटैच कर सकते हो, मतलब आपको भी वो डंक कर सकते हैं और इट्स वेरी डेंजरस, दे आर पॉइजनस। किसी को हेल्प करना तो अच्छी बात है, कर सकते हो तो फुल सिक्योरिटी के साथ करो। यू नीड हैंड ग्लव्स, मास्क पहनना ज़रूरी है क्योंकि आपका कुत्ता अगर स्ट्रे डॉग है तो वो किधर किधर जाता है आपको पता नहीं है। उसको बहुत बड़े टिक्स हो गए थे, मुझे लिटरली में दिख रहे थे इतने बड़े बड़े टिक्स, तो आप बाहर से भी देख सकते थे तो भी बड़े बड़े टिक्स दिख रहे थे। सो मैंने बेसिक्स जो बड़े बड़े थे और जितने प्रॉपर दिख रहे थे उतने निकाले। एक्चुअली पूरा करना है पर अभी वो भाग गया जब मैं कर रहा था तो, सो बाद में उसका प्रॉपर करेंगे। बेसिकली आई एम एनिमल लवर, मुझे सब एनिमल्स पसंद है, कैट डॉग। सर आपको पसंद नहीं है सो बट डू लव एनिमल्स गाइस, और बस इतना ही बताना था। सो आज मैं मेरे दोस्त को मिलने वाला हूँ, सो पहले क्रॉस कर लेते हैं। सो मेरे दोस्त को मिला और दोस्त उधर खड़ा है, सो हम लोग जरा काम से बाहर जा रहे हैं। एंड दैट्स इट, नहीं बताना था, अभी जाते हैं। ठीक है, कलर चांगले होते, अरे एकदम क्लासिक कलर बघ ना, लाल हिरवा बघ, एकदम पॉपी, लाल बघ, हिरवा बघ, काळा बघ, एकदम डेन्स वाटतो असा। अरे सगळेच करतात ते, एकदम छपरी सब लोग कर रहे हो छपरी। सो हम लोग जा रहे हैं बाहर, सर्वेश का ग्राम है, सर्वेश इंजीनियरिंग कर रहे हैं जैसे मैंने बताया था उसको। उसके डायग्राम्स का, सर्किट डायग्राम्स का प्रिंट आउट निकालना है, उसको सबमिशन भी करना है। सबमिशन करना है क्या? सबमिशन करना है, सबमिशन करना है, उसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं बाहर। और मुझे लगा ज़्यादा रश नहीं होगी क्योंकि लॉकडाउन चालू की है, पर मंडे वीकडेज पे चालू नहीं है, सो रश है प्रॉपर, जितनी रेगुलर होती है उतनी ही है। रश है क्योंकि कल इंडियन न्यू ईयर है जिसको बोलते हैं गुड़ी पड़वा, हिंदू न्यू ईयर, और उसकी वजह से सब शॉपिंग चल रहा है। इधर हार वगैरह बिक रहे हैं, वो तोरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में मुझे पता नहीं, पर डोर को जो लगाते हैं वो सब बिक रहा है इधर। तो थोड़ी आज रश होने ही वाली है, एंड दैट्स अबाउट इट। 7 बजे के बाद ये सब क्लियर हो जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि मंडप की लोगों की अभी भी फट्टी है, थोड़ी इलीगली करेंगे पर थोड़ी सी कहाँ फटेगी, क्योंकि मेन स्टेशन रोड पे तो इतने मस्ती नहीं करेंगे वो लोग, आई एम श्योर अबाउट। सो अभी जा रहे हैं, इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। हम लोग पहुँच गए, सर्विस प्रिंट निकाल रहा है और तुम लोग की भी अगर भांडुप में प्रिंट निकाल रहे हैं, दिस इज़ द चीपेस्ट प्लेस। मैं एड्रेस दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे चीप जेरोक्स और प्रिंट आउट का काम इधर ही होता है। ये स्टेशन प्लाजा है भांडुप में, स्टेशन के मतलब भांडुप स्टेशन के प्रॉपरली बाहर ही है। सो किसी से पूछ लो ये तो बगीचा, बाजू में बगीचा रेस्टोरेंट है और इधर ये एली में पूरा प्रिंटिंग का काम होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आपको ये पता चलेगा ये क्या है, और लास्ट ईयर में हो तो ही पता चलेगा, फर्स्ट ईयर में नहीं पता चलेगा। सो ये क्वालिटी है प्रिंट की। और ये प्रिंट कितने रुपये लेकर है? 150। कितने रुपये एक प्रिंट है? 7 रुपये। ₹7 की एक प्रिंट है। सो इट्स नाइस और इट्स कलर प्रिंट, सो इट्स फाइन। ₹7 की बहुत सूल है। व्हाट्सअप, हम लोग हमारे रेगुलर अड्डे पर आ गए और हमारा रेगुलर ड्रिंक हैप्पी फीस एंड ही इज़ ड्रिंकिंग इधर पेपर बोट पी रहा है, एप्पल पी रहा है। सो हम लोग इधर आके थोड़ी बातें करते हैं हर बार। अभी जाना है, अभी ब्रेक के लिए हम लोग आए, इतना सिर्फ पीने के लिए हम लोग आए थे अंदर, और अभी बाहर जाना पड़ेगा। हमारे इंडियंस बहुत सीरियसली लेते हैं हमारे फेस्टिवल्स, उसके लिए हार, फ्लावर्स, उसके लिए सब इतनी रश है एक एरिया में हमारे मार्केट में। आपको दिखा दूँ हम लोग निकले हैं। सुंदर से बादल, मतलब जितना रश अवॉइड कर सकते उतना रश अवॉइड करके जाएंगे, पर हर जगह रश ही रश है। सो लेट्स गो होम। हियर वी रीच आवर होम। और सीन ऐसा है कि लाइट नहीं है पूरे एरिया में। मैं पूरा एरिया देख के आया हूँ और पूरे एरिया में लाइट नहीं है। आई होप यू कैन सी। ये AI का कैमरा चालू है, इसकी वजह से थोड़ा सा फिल्मी और फेक लग रहा होगा, बट लाइट नहीं है तो, और मैं मोमबत्ती पे शूट कर रहा तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई गेस कल ही मिलेंगे, सो बाय बाय। मैं जा रहा हूँ अनुजा के घर पे और अनुजा ने मुझे कुछ सरप्राइज़ देने वाली है। आई एम श्योर अबाउट इट। तो अनुजा की फ्रेंड, तो लेट्स सी व्हाट इट इज। मैं अनुजा के बिल्डिंग के नीचे हूँ और शी इज़ कमिंग। आई डोंट नो क्या सरप्राइज़ है, बट आई एम एक्साइटेड। और मेरा एक्साइटमेंट दिख नहीं रही होगी क्योंकि मैं थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा बाहर भी गया था अभी काम के लिए, तो उसकी वजह से थक गया हूँ। सुबह जल्दी उठ के मैंने सब काम किया, सो आई एम टायर्ड। आई नो आई एम नॉट शोइंग ऑफ, बट आपको बताना मेरा काम लगता है मुझे। टाइम देंगे, सो लेट्स वेट फॉर हर। सो हम लोग आ गए हैं घर पे, और मैंने दिखा नहीं, वो घर पे आ रहा था तभी दिखा नहीं। मुझे घर पे जल्दी आना था, मैं थक गया था, इसके लिए आई एम गोना ट्राई दिस। क्या है मुझे पता नहीं है, सो कैमरा के सामने ओपन करेंगे। ओके, शी मेड गुलाब जामुन। दिस इज़ ब्यूटीफुल। ओके, मुझे टेम्प्टर है। मुझे वैसे स्वीट्स पसंद नहीं है, पर आई कैन ईट गुलाब जामुन एज मच एज एनी वन हु हैज़ अ स्वीट टूथ, क्योंकि मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। पर मीठे में सिर्फ मुझे गुलाब जामुन पसंद है, बाकी कुछ पसंद नहीं है। सो थैंक यू अनुजा। चॉइस कैसे बनाए बताते हैं। इट्स नाइस, इट्स रियली नाइस। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्प्रेड लव, स्प्रेड पीस। बाय बाय। और ये टेक मैंने हर वीडियो, जब इधर बाहर गया हूँ उधर भी मैंने हर बार ये वीडियो बोला कि कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो सी यू ऑन सैटरडे। और अभी ये वीडियो एडिट भी करना है, सो बाय बाय।